Hello friends, welcome back to Tech Tutors. आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूज़र इंटरफेस, बहुत ही माइल्ड सा बताऊंगा, यूज़र इंटरफेस के डेप्थ में बाद में जाएंगे. पहले आप समझ लें यूज़र इंटरफेस होता क्या है, UI. अब UI तो आपको पता ही है यूज़र इंटरफेस होता है. अब यूज़र कौन है इसमें? यूज़र है यूज़र मतलब क्लाइंट, मतलब जैसे मैं अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से या स्नैपडील से कुछ भी खरीदता हूँ तो मैं यूज़र हूँ. इंटरफेस क्या है? इंटरफेस किसका? इंटरफेस है उस एप्लीकेशन का, उस सॉफ्टवेयर का, उस वेबसाइट का जो मैं यूज़ करूँगा. तो यूज़र इंटरफेस मतलब वो इंटरफेस जो यूज़र के लिए है, जो मेरे लिए है, डिज़ाइनर के लिए नहीं, यूज़ करने वाले यूज़र के लिए. डिज़ाइनर तो वो है जो उसे डिज़ाइन करेगा यूज़र के लिए. तो यूज़र इंटरफेस, चलिए शुरू करते हैं. यूज़र इंटरफेस में सबसे पहली चीज़ मेन क्या होती है? आप कोई भी एम्प्टी कैनवस लीजिएगा, उसमें सबसे पहले कैनवस में सबसे पहले आपको एक चीज़ मार्क करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि वो एरिया जो अगर कोई आपकी वेबसाइट, आपकी एप्लीकेशन खोलता है तो बिना स्क्रॉल करे कौन सा एरिया डिस्प्ले होगा और कितना एरिया डिस्प्ले होगा. क्योंकि उस एक एरिया में आपने ऐसी चीज़ें डालनी है जो यूज़र को चाहिए, वो जिससे यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो. जैसे कि ये एक एरिया ले लेंगे आप, इस हेडर में आप अपना मेन्यू डाल देंगे. लेट मी शो इट टू यू. हम ग्रे स्केल पे खेलेंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि नज़र आए सबको. हम अभी ग्रे स्केल पे ही चलेंगे. ग्रे स्केल से क्या होगा कि एटलीस्ट हम किसी कलर में कंफ्यूज नहीं होंगे, और कलर की वजह से इंटरफेस अच्छा ना लगे ये भी नहीं चाहते हैं. कई कई वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि एप्लीकेशंस पे भी देखा होगा कि कई वेबसाइट्स बहुत ही अटपटी सी लगती हैं, गंदी लगती हैं. इंटरफेस उनका बहुत अच्छा होता है लेकिन वो अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि उनका कलर अच्छा नहीं होता. कलर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है यूज़र को और यूज़र इंटरफेस को भी. तो अभी हम ग्रे पे ही चलेंगे सेफली खेलते हुए. यहाँ पे क्लाइंट का लोगो आता है, इसको भी हम इसी कलर में मर्ज कर देंगे. यहाँ पे सारे बाकी मेन्यूज आते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे देंगे जिससे कि ये हाईलाइट हो जाए कि ये सब बटन्स हैं. अभी हम लेंगे कुछ ऐसी कैटेगरीज, क्योंकि वेबसाइट पे आप क्या देखते हैं, कोई एप्लीकेशन में क्या देखते हैं, कुछ ना कुछ बेचने वाला सामान होता है या फिर कुछ ना कुछ कुछ लाइक करना आ जाता है. फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया. अब इंस्टाग्राम में क्या है, फेसबुक में क्या चीज़ है कि ये पोस्ट पूरे पेज पर आ जाता है, ऐसे करके पूरे पेज पर पोस्ट आ जाता है, ऐसे लेफ्ट टू राइट पूरा आ जाएगा, सेंटर कर लेंगे. अब इसमें क्या चीज़ है, रिपीटेशन. अब उन्होंने क्या किया हुआ है, पूरा रिपीट मारा हुआ है, पेज पोस्ट टू पोस्ट आता रहता है, लेकिन उसमें उन्होंने ऐड भी चलाया हुआ है. और ऐड कैसे चलाया हुआ है, ऐड के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि इसको थोड़ा इधर किया हुआ है और यहाँ पे अपना ऐड चलाया हुआ है. इस एरिया में अपना ऐड चलाया हुआ, यहाँ पे ऐड चलाया हुआ है. आप स्क्रॉल करते जाते हो, ये एरिया यहीं का यहीं रहता है क्योंकि स्क्रॉलेबल एरिया सिर्फ ये है. स्क्रॉलेबल एरिया सिर्फ इतना है, ये एरिया स्क्रॉल नहीं होता और यहाँ कुछ भी नहीं है.
आप देखेंगे तो स्क्रीन इतनी है, आप स्क्रॉल करेंगे तो सिर्फ इतना ही होगा, ये ऊपर जाता रहेगा, ये यहीं रहेगा, और जितना आप ऊपर जाते जाओगे यहाँ पे एड्स भी चेंज होती रहती है। आप किसी ऐड को क्लिक कर दोगे तो वो उस डेस्टिनेशन पर ले जाएगा क्योंकि वो उसका सीटीए होगा। क्लिक करोगे सिर्फ ये मूव करता है, या यहाँ पे टैब्स होंगी वो मूव कर जाएंगी। फ़ोन में जैसे फ़ोन का अलग डिज़ाइन होता है, कंपैटिबिलिटी, स्क्रीन साइज डिफरेंट है तो उसकी उसके हिसाब से वो वहाँ पर वहाँ भी मैं आऊँगा। पहले आप ये देखिए, चलो फेसबुक को छोड़ते हैं, सिंपलेस्ट डिज़ाइन ही होता है इन सब का। हम आते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब कोई प्रोडक्ट वेबसाइट कैसी होती है कि आपको प्रोडक्ट तो डिस्प्ले करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने यूज़र की डिफ़िकल्टी लिखेंगे। डिफ़िकल्टी एज इन एक बैनर भी यूज़ कर सकते हो, छोटा सा पतला सा, या फिर आप नॉर्मल टेक्स्ट में भी लिख सकते हो यहाँ पे कि हाँ जी ये इश्यूज़ हैं और ये हमारे पास सोल्यूशन है। मतलब अगर कुछ भी आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई वाटर कूलर बेच रहे हो, कोई वाटर कूलर की या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी वेबसाइट है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर हो के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो, वेब पेज बना रहे हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये आपने एक इंटरफेस में सबसे पहले तो आप यही बताओ कि जी हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, बताओगे ना। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपका हेडर टेक्स्ट आएगा कि आप एक्चुअल में कहना क्या चाहते हो, बेचना क्या चाहते हो, उसमें यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। प्रोडक्ट्स में आप देंगे टैब, ये बटन्स होंगे, मतलब टैब नहीं होंगे, बटन्स होंगे। जो जिसके लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पेज बनाना, डिज़ाइन करना पड़ेगा। एक पेज की वेबसाइट किसी काम की नहीं होती। ये आपने तीन बना लिए, आपने तीनों को सेलेक्ट किया, उसका कॉपी मार दो, क्योंकि किसी के पास तीन टाइप के प्रोडक्ट होता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये स्पेसिंग सही रहा है, स्पेसिंग बराबर रखिएगा। स्पेसिंग बराबर रखने का मतलब है नीट एंड क्लीन रहता है, नीट एंड क्लीन डिज़ाइन पे ही लोग ध्यान देते हैं, उसी पे मज़ा आता है, उसी पे उसको देखने में मज़ा आता है, उसके बाद खेलने में मज़ा आता है, यूज़र को भी खोल के अटपटा नहीं लगता। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये छः बटन्स बना लिए। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, अलग अलग ही दीजिएगा। अगर इससे ज़्यादा भी प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आप सिंपल छोटा सा मोर लिख दीजिए, क्योंकि होम पेज को इतना कितना भरोगे। होम पेज एक तरह से, और इसको क्लिकेबल बना लोगे, क्योंकि होम पेज इतना ज़्यादा एक चीज़ से नहीं भरा होना चाहिए, उस हर एक चीज़ का एक डेडिकेटेड पेज होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये हेडर ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे ये इसका कैटेगरी का बैनर आ जाएगा कि हाँ जी ये इस चीज़ का है, ताकि पता लगे कि यूज़र को भी कि हम कहाँ हैं। प्रॉपर ये एक कैटेगरी है तो इसका आ जाएगा, यहाँ पे इमेज या प्रोडक्ट का विजुअल आ जाएगा, यहाँ पे एक अपना टेक्स्ट आ जाएगा, आपने यहाँ पे अपना एक वीडियो डालना है तो वो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको किसकी डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, कैसे डालना है। अब यहाँ पे अगर आपने एक प्रोडक्ट डाला, ये कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये कैटेगरी है जो हमने इसमें डाली, ये कैटेगरी थी, ये प्रोडक्ट नहीं था, राइट। ये सब कैटेगरीज हैं। प्रोडक्ट पेज के लिए बहुत ही अलग चीज़ होती है, क्योंकि वो आपको समझना पड़ेगा प्रोडक्ट पेज पे डिफरेंस क्या है कैटेगरी पेज से। कैटेगरी पेज में आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट पेज पे एक ही प्रोडक्ट रहेगा, वो उसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स कैसे आएंगी, लेट मी शो यू दैट। अब अगर हम यूज़र क्लिक करके किसी भी प्रोडक्ट पे जाता है,
मोर को भी हटा देंगे। ये रही आपकी प्रोडक्ट की इमेज। यहाँ पे सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट नेम बोल्ड में लिखा होगा ताकि यूजर को आसानी से दिख जाए। उस पर आएगी उसकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के लिए आपको थोड़ी जगह देनी पड़ेगी। थोड़ी जगह मतलब यहाँ पूरा टेक्स्ट ही होगा डिस्क्रिप्शन के लिए, और यहाँ पे मोर लिख देंगे अगर आप ज़्यादा है, क्योंकि आप ज़्यादा हर चीज़ भर नहीं सकते हो, क्योंकि वो अगर किसी ने पढ़ना होगा तो वो ओपन हो जाएगा वहीं से। अगर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में और पूरे पेज में यही आ गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखी होगी प्रोडक्ट की प्राइस। अब प्रोडक्ट की प्राइस मैंने इसके साथ क्यों नहीं लिखी, प्रोडक्ट के नीचे भी उसकी प्राइस लिखी जा सकती थी। बेसिकली ये माइंडसेट क्या है, ये माइंडसेट ये है कि लेट मी एक बार मैं प्राइस लिख कर दे बताता हूँ आपको। $100 ये माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ इतना है क्योंकि आपको पता है कि हम लोग लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं और ऊपर से नीचे रीड करते हैं, लाइक ऐसे जी फॉर्मेट में, ये तो आपको पता ही होगा। तो लेफ्ट में हमने स्टार्ट यहाँ से डिज़ाइन कैसे किया, सबसे पहले तो कंपनी का लोगो लगा हुआ ऊपर, यहाँ पे मेन्यू है, मेन्यू पर कोई ध्यान नहीं देता लेट मी टेल यू। वो रीज़न ये है कि पहली बार जब आएगा तो बंदा देखेगा, दोबारा जब आएगा तो नहीं देखेगा। पहली बार आने में और बाद में आने में डिफरेंस ये होता है कि जो मेन्यू बार है लोगों को पता लग जाता है, तो वो दूसरी बार में इंसान देखता नहीं है, उसको पता होता है कहाँ क्या पड़ा। बट जो प्रोडक्ट पेज है या फिर जो कैटेगरी पेज है उस पर ज़रूर ध्यान देगा, तो यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है। और ये पूरा एरिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये पूरा एरिया जो भी अभी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले रहता है एट द टाइम जब यूज़र लैंड करता है आपकी वेबसाइट पर, किसी भी प्रोडक्ट पेज पे, किसी भी कैटेगरी पेज पे, तो ये जो एरिया यही मेन, बहुत मेन चीज़ है। यहाँ से आप सबसे पहले जी फॉर्मेट में अगर पढ़ के देखें तो जी फॉर्मेट में सबसे पहले आपका प्रोडक्ट का इमेज आ रहा है, जो कि इंसान सबसे पहले देखता है, उसको पहचानता है वो इमेज देख कर ही। प्रोडक्ट का नेम साथ में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन साथ में लिखी हुई है, नेम पढ़ के वो डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेगा, प्राइस बाद में पढ़ेगा। बाद में पढ़ाने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट नेम के साथ अगर प्राइस आप लिख दोगे तो प्राइस अगर ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, इंसान के औकात से ज़्यादा हुआ, तो सीधा क्रॉस कर देगा। डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद उसको उसकी वैल्यू पता लगेगी, क्या है क्या नहीं है, क्या हिसाब है। यहाँ पर रिव्यूज़ भी डाल सकते हो, अब यहाँ पर स्टार डाल दो, मुझे इतने स्टार का है, इतनी इसको मिली हुई है स्टार। इसको प्रोडक्ट को 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। भाई मैं तो मर्ज कर देता हूँ सीधा, तो चलो अगर स्टार रेटिंग 5-स्टार रेटिंग दे रखी है, अगर यहाँ पे प्राइस आपने डाल दिया, ठीक है, प्राइस डालने के बाद भी प्रोडक्ट बेचेंगे कैसे, बटन अगर हमने बाय नाउ का बटन डालना है तो हम कहाँ डालें, यहाँ डालें, यहाँ डालें, यहाँ डालें, यहाँ डालें, यहाँ डालें, कहाँ डालें, बाय नाउ का बटन सीधा यहीं डाल देते।
बाय नाउ यहाँ डालने का भी एक रीज़न है। तो बाय नाउ मैं बोल रहा हूँ, बाय नाउ मतलब होता है मूव टू कार्ट। अब इसमें बाय कर दो या फिर इसे शॉर्टलिस्ट कर दो। अब अगर आपने इसे शॉर्टलिस्ट किया तो वो आपकी फेवरेट्स में सेव हो जाएगा अगर आपके पास वो ऑप्शन है। अगर नहीं है तो सिंपल बाय का ऑप्शन डाल दो। अब यहाँ पे क्या आएगा, आप कहेंगे यार ये तो पूरा खाली हो गया, इधर क्या डालेंगे? इधर हम डालेंगे प्रोडक्ट के इमेजेस, प्रोडक्ट के इमेज डाल देंगे। उसका रीज़न ये भी है कि अगर आप खुद से कंपेयर करके देखते हैं कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, अगर आपके पास आप चाहे लगा लीजिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट किसी पे भी गए, कोई प्रोडक्ट का इमेज, कोई भी आपने प्रोडक्ट लेना है तो आपने उसको क्लिक किया, तो उस पर अगर एक ही इमेज हो उस प्रोडक्ट की, तो 90% आपकी जो ट्रस्ट है ना वो ख़त्म हो जाती है। 90% ट्रस्ट, आपको डाउटफुल लगता है कि प्रोडक्ट है लेकिन इमेज एक ही, वो भी अगर किसी ने वो भी ऑनलाइन अगर उठा के डाल दी हो तो आप बिल्कुल ही ख़त्म हो, तो बिल्कुल ही बैक कर दोगे सीधा सीधा, अमेजोन ही बंद कर दोगे। कि ट्रस्ट फैक्टर होता है, जो ट्रस्ट फैक्टर बना के चलना पड़ता है। अगर यूज़र ट्रस्ट नहीं करेगा, और आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि यूज़र किस चीज़ पर ट्रस्ट करता है और किस चीज़ पर नहीं करता, ये चीज़ें सर एक्सपीरियंस से ही आती हैं। मेरे आपको बहुत समझ में आ जाएगी, आप करके देखेंगे। तो अब यहाँ डाल दिए ये इमेजेस, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया, अब यहाँ पे क्या डालेंगे? यहाँ डाल देंगे हम यूज़र रिव्यूज। अब ये यूज़र रिव्यूज कैसे डालेंगे? ये आ गई इमेज, थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे, थोड़ा हमें हाईलाइट भी करना पड़ेगा कि यूज़र रिव्यू है। थोड़ा प्रीव्यूज करके डाल देंगे, गलत से ये डाल दिया प्रोडक्ट रिव्यूज। अब ओवरऑल रेटिंग यहाँ भी आ जाएगी, वहाँ तो आती है, यहाँ तो प्रोडक्ट के साथ तो आएगी आएगी, ये भी लिख देंगे प्रोडक्ट रेटिंग है, जिससे कि यूज़र को और भरोसा होता है। बेसिकली भरोसे लायक काम ही करना चाहिए दुनिया में, भरोसा लायक काम नहीं करेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। प्रोडक्ट रेटिंग डाल दी हमने यहाँ पे नीचे, और यहाँ पर रिव्यू, ये ऐसे करके बहुत सारे रिव्यू आ जाएंगे, 4-5 तो डाल ही देना। मतलब चाहो तो इतना ही रख सकते हो, वैसे ये तो पार्टीशन है नहीं इतना पेज में कहीं, तो चाहो तो इतना भी रख सकते हो, चाहो तो इसे और छोटा कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, तो मोर कर दे, मोर कर सकते हो कि ये और खुल जाए, लेकिन पूरा भी कर सकते हो, पूरा इतना यहाँ तक भी कर सकते हो जहाँ तक पेज जा रहा है, उतना भी कर सकते हो। ठीक है, समझिए ना बाकी।
इतना आपने कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद इतना तो आपका समझ में आ गया, अभी इस लैंडिंग पेज पे, जैसे ये जो प्रोडक्ट पेज है इस पे जो ये लैंडिंग एरिया जो है जहाँ पे बिना स्क्रॉल किए प्रोडक्ट पेज में कैसे क्या कहाँ तक इतना यहाँ से लेके यहाँ तक इतना आप लैंड करते ही पेज दिखेगा, तो उसमें आपने क्या क्या कवर कर लिया आप ये देखिए। प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग, रेटिंग, आपने इसको ऑप्शन दे दिया कि भैया आपने क्या करना है, बाय करना है कि शॉर्टलिस्ट करना है, वो कर लो। अब ये बाय का बटन यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन हम यही चाहते हैं यही रहे, क्योंकि यही शुरुआत होगी, यही अंत हो जाएगा। बाय पे बाय करेगा सीधा कैटेगरी पे, उस पे चला जाएगा कार्ट में। अगर फिर भी इंसान में आगे भी देखना है तो ये इमेज भी देख सकता है, स्क्रॉल डाउन करने से पहले ही उसको एक रिव्यू दिख गया, डेढ़ रिव्यू दिख गया, वही ज़रूरी है। रिव्यू भी दिखा दिया कि प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी हैं, इतने रिव्यूज़ यहाँ पे भी लिखा जाएगा कि कितने रिव्यूज़ हैं कितने नहीं है। मैं उतनी डिटेल में नहीं गया, मैं आपको भी यूज़र इंटरफेस का यही दिखा रहा था मेन चीज़, इतनी डेप्थ में अभी गए नहीं। नीचे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, नीचे तो आप वीडियो भी डाल सकते हो, यहाँ वीडियो डाल दिया है, यहाँ पे और रिव्यूज़ भी डाल दिए, यहाँ पे वीडियो वाले रिव्यूज़ भी डाल दिए, वो भी डाल सकते हो। लोगों ने फोटोज़ डाल रखी हैं वो भी आ जाएंगी यहाँ पे, यूज़र फोटोज़ करके, वो यहाँ पे नहीं आएंगी क्योंकि ये तो प्रोडक्ट फोटो था जो हमने डाली, यूज़र फोटोज़ यहाँ पे आ सकती हैं, तो वो यूज़र फोटोज़ भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही करते हैं, बाकी आप इस चीज़ पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल टेक ट्यूटर्स। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारा नॉलेज आने वाला है। डू शेयर, डू लाइक, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।